हेलो, मैं आरके सक्सेना रीवा मध्य प्रदेश से। और आज मैंने एक छोटी सी कविता की रचना की है, एक हास टाइप की भी कह सकते हैं इसको। कोरोना काल में लोग दुखी चल रहे हैं, उत्साह की कमी है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी लोगों के मन में उत्साह भर सकूं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये आपने सुना होगा मधुशाला, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो मधुशाला की ही तर्ज पर मैंने एक कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आप सुनें और अपनी राय दें कि क्या मैं आपको हंसाने में थोड़ा भी कामयाब हुआ हूँ। तो मेरा कविता का शीर्षक है, लॉकडाउन में बंद पड़ी है मधुशाला। क्या शीर्षक है? लॉकडाउन। तो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के कारण से, तो उसमें जो है मधुशाला बंद पड़ी हुई है। तो भाई हमारा शीर्षक है लॉकडाउन में बंद पड़ी है मधुशाला, ये शीर्षक है। तो इसमें चार पैरा हैं, मैं चारों पैरा सुनाना चाहूँगा आपको। तो सुनिए, चलिए। कोई मांगता था देसी वाली, कोई मांगता था देसी वाली, और कोई मांगता था अंग्रेजी वाला। कोई मांगता था देसी वाली और कोई मांगता था अंग्रेजी वाला, पर गम है यारों, पर गम है यारों, लॉकडाउन में बंद पड़ी है मधुशाला। पर गम है यारों, लॉकडाउन में बंद पड़ी है मधुशाला। चलिए अगली पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। शासन का आदेश हुआ, तो जब से शासन का आदेश हुआ है लॉकडाउन में बाजार बंद होने का, तो वही है, शासन का आदेश हुआ है, दुखी है हर पीने वाला। शासन का आदेश हुआ है, दुखी है हर पीने वाला। अब तो बहुत बुरी स्थिति है उन लोगों की। उस पर एक लाइन कहा है कि सपने भी आते हैं अब उसको, सपने भी आते हैं अब उसको, कब खुलेगी मधुशाला। तो सपने भी आने लगे, एक ही सपने आते हैं कि ये मधुशाला कब खुलेगी। तो उसी को कहा है, सपने भी आते हैं उसको, कब खुलेगी मधुशाला। तो बताते जाइएगा आप कैसा लग रहा है। अगली पंक्ति हमारी है, हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में शासन का आदेश हुआ है कि अब होम डिलीवरी के माध्यम से हाला पहुंचाई जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में का आदेश सुना है, जब से छत्तीसगढ़ का आदेश सुना है, छत्तीसगढ़ में आदेश सुना है, मिलेगी होम डिलीवरी से हाला, मिलेगी होम डिलीवरी से हाला। शिवराज की ओर टकटकी लगाए, शिवराज हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो उनकी ओर बड़ी आशा की भरी निगाहों से हर पीने वाला देख रहा है, टकटकी लगाए हुए हैं। तो वही कहा है मैंने, शिवराज की ओर टकटकी लगाए बैठा है हर पीने वाला। शिवराज सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठा है हर पीने वाला। तो अगली पंक्ति हमारी देखिए, सुनिएगा। ऊपर वाले से कर रहा आरजू, जब किसी का कोई बस नहीं चलता तो ऊपर वाला ही अंतिम होता है, उसी से आरजू करता है। तो पीने वालों के हाल खराब हैं, ऊपर वालों से आरजू कर रहे हैं। ऊपर वाले से कर रहा आरजू हर कोई पीने वाला, तो हर पीने वाला ऊपर वाले से आरजू कर रहा है, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मंदिर मस्जिद बंद रहने दो, बोल रहा है प्रभु, मंदिर मस्जिद बंद हैं तो उनको बंद रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर मस्जिद बंद रहने दो, बस खुलवा दो मधुशाला, बस खुलवा दो मधुशाला। तो मेरी छोटी सी पंक्ति थी, बहुत लंबा नहीं लिखा, काफ़ी लंबी हो सकती थी। तो आपको कैसी लगी? एक कॉमेडी भी मान सकते हैं उसको आप। उसको हमने नाम दिया है मधुशाला पार्ट 2। तो इसको आप अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, ताकि हम जैसे लोग प्रोत्साहित हो सकें। तो मैं पुनः आरके सक्सेना रीवा मध्य प्रदेश से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए,
और अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अपनी राय दें कि मेरा छोटा सा ये प्रयास कैसा था। नमस्कार, धन्यवाद।